हमें डर क्यों लगता है, डर है क्या ये समझ लें तो क्यों तक शायद जाने की ज़रूरत न रहे। क्या है डर, डर क्या है? कभी कोई खड़ा हुआ है पानी में छलांग मारने के लिए, कहीं किसी स्विमिंग पूल में या किसी चट्टान पर, कि अब चट्टान पर खड़ा हूँ, अब छलांग मारनी है पानी में, कोई हुआ है खड़ा? जाते होगे इधर उधर घूमने तो ऐसी स्थितियाँ आती होंगी, हुए हो? और थोड़ा सा ऊंचा है अगर वो स्थान जहाँ खड़े हो तुम, थोड़ी ऊंचाई पर है अगर वो चट्टान, तो क्या हो रहा होता है मन में? डर लग रहा होता है ना, बार बार पानी की ओर देख रहे होते हो और सोच रहे होते हो। और तुमने देखा होगा कि अक्सर हम उसी जगह पर 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जड़वत खड़े ही रह जाते हैं, और फिर आता है कोई पीछे से और हल्के से धक्का दे देता है। जिस क्षण गिर रहे होते हो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान चाहिए, जिस क्षण गिर रहे होते हो, अभी मैंने कहा था ना कि तुम्हारा HIDP मन की प्रयोगशाला है, क्या उस क्षण डर लग रहा है? क्या उस क्षण डर लग रहा है? जब ये क्षण है तब उस क्षण डर लग रहा है? चलो और करीब का प्रयोग करते हैं। पूजा कहती हो कि डर क्यों लगता है, अभी जब सवाल पूछ रही थी, अभी नहीं, ठीक तब जब पूछ रही थी तब डर लग रहा था क्या? ठीक जब पूछ रही थी, बात को समझो, इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है देखो उसको साफ साफ। सवाल पूछ रही है कि डर क्यों लगता है, पर जब सवाल पूछ रही है कि डर क्यों लगता है तब डर नहीं लग रहा। नहीं जा पा रहे, ठीक तब जब कर्म हो रहा है तब डर लग रहा है क्या? डर कब लग रहा था और उससे पहले क्या था? कर्म था? कर्म नहीं है तो डर लग रहा है, और डर किस बारे में लग रहा है? कि कर्म करना है। जब कर्म है तब डर लग ही नहीं रहा। तो डर करने में है या करने के विचार में है? डर क्या है? डर सोच है बस, डर मात्र एक विचार है, विचार के अलावा उसकी कोई सत्ता नहीं। और किसी को अगर मुझसे कोई आपत्ति हो तो वो यहां मेरे सामने डर ला करके रख दे कि नहीं सर डर विचार नहीं है, ये लीजिए डर, आधा पौन किलो जितना डर ला सकते हो लाके यहां रख दो, नीला पीला सतरंगा नारंगी जैसा डर लाते हो यहां लाके रख दो, मिलीग्राम में भी चलेगा। डर क्या है? कुछ है ही नहीं विचार के अलावा। सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर 5 सांप नाच रहे हो, डरोगे? डरोगे? तो बात स्पष्ट है कि डर क्या है। डर सांप में नहीं है, डर सांप और शरीर के संपर्क में भी नहीं है। डर किस में है? और यह भी मत कहना कि डर जगे हुए होने पर ही होता है। तुम अगर जगे हुए हो पर वो जो सांप है वो तुम्हारा पालतू सांप है तो आकर के तुम्हारी गोद में बैठा रहे, डरोगे क्या? अपना काम करते रहोगे? डर सिर्फ एक विचार है, ठीक? ये बात स्पष्ट है, पकड़ लिया इसको? तो ये पहला नियम, डर मात्र एक विचार है। क्या कहता है ये विचार? क्या कहता है ये विचार? जब भी कभी डरे हो फिर से गहरे ध्यान में जाओ और पूछो अपने आप से, जब भी डरे हैं तो उस विचार की सामग्री क्या रही है? क्या कहता है वो विचार? क्या कहता है? हाँ बोलो बोलो। वो ठीक है, और गहरे में जाओ। समथिंग इज गोइंग टू बी
रॉन्ग, कुछ गलत हो जाएगा। गलत माने क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिजल्ट्स माने क्या? काम बिगड़ना माने क्या? हाँ ठीक है, ये सारे शब्द ठीक हैं, पर ये आसपास के हैं। मैं केंद्र पर जाना चाहता हूँ। हम किसको कहते हैं कि परिणाम गलत हो गया? हम किसको कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई? नुकसान माने क्या? तुम जानते हो मैं क्या कहूँगा। जब भी डरे हो तो उस विचार ने तुमसे क्या कहा है? अच्छा चलो, ये भी पूछ रही थी डर क्यों लगता है। सवाल पूछने में भी डर लगा होगा उससे पहले तक। पहला नियम तो पकड़ लिया है तुमने, उसके पहले तक सर, उस वक्त नहीं लग रहा था। जब डर लग रहा था तो वो विचार क्या कह रहा था तुमसे? मैं बताता हूं, थोड़ी सा हिंट देता हूं। अगर इस हॉल में कोई ना हो तो भी क्या तुम सवाल पूछने से पहले डर रही होती? अगर इस हॉल में इन सब के अलावा मैं भी ना होता, सिर्फ तुम होती और एक आईना होता, तब भी क्या डर रही होती? इस बात को पकड़ना। हमने प्रयोग किया, हमने तीन केमिकल्स थे, पूजा, भीड़ और वक्ता। हमने कहा एक को निकाल दे तो भी डर चला जाएगा, दूसरे को निकाल दे तो भी चला जाएगा, ठीक है। तीनों जब मिलते हैं तभी डर की अनुभूति है। जब तुम चट्टान पे खड़े होकर पानी में कूदने जा रहे थे तब डर तुमसे क्या कह रहा था? किस बात का डर था? डूब जाओगे। डूबने से क्या होगा? मरने का क्या अर्थ होता है? मरने का क्या अर्थ होता है? इसको समझोगे नहीं तो डर से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। जब कहते हो मर गए, तुम में से किसी ने मर के कभी देखा है कि मरने का क्या मतलब है? कोई है ऐसा जो कहे सर हम 5 बार मर चुके हमें पता है? कोई है ऐसा? जब तुम कहते हो कि मैं चट्टान पे खड़ा हूं और डर ये लग रहा था कि मर जाएंगे, तो वाकई तुम्हें मरने का डर लग रहा था क्या? मरना तो तुम जानते नहीं, मरने का कोई अनुभव तुम्हें है नहीं। तुमने जो भी मरने के बारे में छवि बनाई है वो बाहर से बनाई है, कभी लाश देख ली, कभी मरने का कुछ सुन लिया, कभी मर के देखा तो नहीं। मरने की क्या छवि है मन में? तो मरना किसको बोलते हो? किसको बोलते हो मरना? मरना जानते नहीं। जब तुम कहते हो मर जाऊंगा तो तुम्हारा अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जिसे मैं जीवन कहता हूं वो खत्म हो जाएगा। तुम ये नहीं कहते कि कुछ नया शुरू हो जाएगा, वास्तव में बस इतना कहते हो कि जिसे मैं जीवन जान रहा हूं वो रुक जाएगा, वो छिन जाएगा। अब वो शब्द मैंने कह दिया है, छिन जाएगा। कुछ है मेरे पास जो छिन जाएगा। सांसें हैं, छिन जाएंगी। स्मृतियां हैं, छिन जाएंगी। चेतना है, छिन जाएगी। प्रत्येक डर ठीक यही होता है, कुछ छीन जाएगा, कोई छीन लेगा। कौन छीन लेगा? पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि कुछ खो जाएगा, कुछ छीन जाएगा। अभी है तब नहीं रहेगा। तुम इससे नहीं घबराते कि मृत्यु आ जाएगी, तुम इससे घबराते हो कि जीवन छीन जाएगा। मृत्यु आ जाएगी इससे कैसे घबराओगे? तुम मृत्यु तो जानते ही नहीं। जिसको जानते नहीं उसके आने से घबराना कैसा? ठीक, कुछ छीन जाएगा। जब पूजा खड़े होने और सवाल पूछने में डरती है तब भी वो यही घबराती है, कुछ छीन जाएगा। और मैंने कहा था वो ये घबराहट सिर्फ तब अनुभव करती है जब बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हों। बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कोई कुछ बोले तो उसे क्या छीन जाने का डर होता है? आ रही बात समझ में? अब पहली बात हमने कही डर एक विचार है, अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि वो विचार ये कहता है कि कुछ छिन जाएगा। पहली बात, डर मात्र एक विचार है, दूसरी बात वो विचार कहता है कुछ छिन जाएगा। जब तक छिनने के लिए कुछ है तब तक डर बना रहेगा। ये हमारी नियति रहेगी कि हम डर में जिए, तब तक ये हमारी नियति रहेगी।
क्या है जो छिन सकता है, क्या है जो छीना जा सकता है? चलो मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा, लेकिन ध्यान तुम्हें देना होगा, उत्तर तुमसे मांगूंगा। तुम चले जा रहे हो एक कार में, तुम्हारे पास रुपए पैसे मोबाइल फोन है, कुछ लोग तुम्हारी कार को रोक लेते हैं, अंधेरा रास्ता है, वो तुम्हें पिस्तौल दिखाते हैं, कहते हैं जो कुछ भी है दे दे, ठीक है, यही उनका आमतौर पर वक्तव्य होता है, भाई जो कुछ भी है यहां निकाल के रख दे और निकल ले, ठीक है। तुम डर जाते हो, सामने पिस्तौल है, सबसे जो बड़ी चीज है कार वो तो वो लेंगे ही, तो सबसे पहले तुम कार से उतरते हो, चाबी रख देते हो, कार छिन गई, कार छिन गई, तुम सोचते हो अब और क्या मांगेंगे, लाखों की गाड़ी दे दी अभी अपना लेके चले जाएंगे। वो कहते हैं जेब में क्या है बाहर निकाल, तो तुम सबसे पहले अपना वॉलेट निकालते हो रख देते हो, वो कहते हैं दूसरी जेब में क्या निकाल, तो अपना मोबाइल फोन निकालते हो उसको भी रख देते हो, वॉलेट मोबाइल फोन छिन गए। ध्यान देते चलना, बिल्कुल एक एक कदम पे साथ रहोगे तभी बात समझ में आएगी। तुम हो खूब मालदार, कपड़े वपड़े भी तुमने पहन रखे हैं बिल्कुल ब्रांडेड और सब कुछ कई कई हजार का, छीनने वाले कहते हैं कि जब छीन ही रहे हैं तो ये भी इस पे क्यों छोड़ दें। वो कहते हैं भाई मौसम बहुत अच्छा है, तू ऐसे ही टहलते हुए निकल जाना, ये सब भी उतार दे, ये सब भी उतार दे, कपड़े छिन गए। और तुम वहीं बैठ के जोर जोर से रोने लगते हो, हाय मेरा सब कुछ छिन गया। वो ये सब लेके रवाना हो गए और तुमको वहाँ हाईवे पर ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं, तुम बिना गाड़ी के, बिना पैसों के, बिना मोबाइल फोन के, नंगी हालत में वहीं बैठे हुए हो और तुम रो रहे हो कि हाय सब कुछ छिन गया। अब ईमानदारी से बताओ, जब सब कुछ भी छिन गया है तब भी क्या है जो स्पष्ट है कि छिना नहीं, छिन सकता नहीं, पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे? मैं खुद है ना, वो चले भी गए हैं तो भी पीछे से तुम विचार कर रहे होगे। विचार बाहर से आ सकते हैं लेकिन विचारणा की जो शक्ति है वो तुम्हारी अपनी हो, कोई छीन नहीं सकता। और विचारणा से भी ऊपर ध्यान की जो शक्ति है वो भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम वहां बैठे भले ही रो रहे हो कि सब छिन गया, लेकिन जान रहे हो ना सब छिन गया, जानने वाला तो मौजूद है। अगर जान न रहे होते कि सब छिन गया तो रो कैसे रहे होते? जानने वाला छिना नहीं, जो जानता है वो छिना नहीं। हमने दूसरा बिंदु ये कहा था कि विचार डर है कुछ छिन जाने का, और अब हम ये कह रहे हैं जो भी कुछ तुम्हें बाहर से मिला है वो कभी भी छिन सकता है और तुम सदैव डरे रहोगे। गाड़ी बाहर से आई थी, बाहर वाला छीन के ले गया। एक एजेंसी से तुमने खरीदी थी, एक लुटेरा छीन के ले गया। कपड़े बाहर से आए थे, इतना ही नहीं हुआ है तुम्हारी बेइज्जती भी तो हो गई है ना, हाईवे पे खड़े हो लूटी हालत में, इज्जत भी छिन गई है। इज्जत भी बाहर से आई थी, दूसरों ने दी थी, दूसरे कहते थे आप बड़े आदरणीय हैं, कुछ व्यक्तियों ने दी थी, कुछ दूसरे व्यक्तियों ने छीन भी ली। जो कुछ भी बाहर से मिला है वो कभी भी छिन सकता है और इसीलिए डरे हुए रहोगे। जो कुछ भी बाहर से मिला है वो कभी भी छिन सकता है, इसी विचार का नाम है डर।
जब तुम्हें यहाँ खड़े होकर के मुझसे बात करनी होती है तो तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सारी जो सेल्फ इमेज है अपने मन में, अपनी छवि, आत्मसंज्ञा, अपनी ही छवि, वो बाहर से मिली है और वो छिन सकती है। तुम डरे हुए हो, तुम कहते हो अगर मैं खड़ा हुआ और मैंने कुछ बोला और बाकी लोगों ने कह दिया कि ये बेवकूफ है, तो होशियार होने की जो मेरी छवि थी वो छिन जाएगी। और छिन सकती ही है क्योंकि दूसरों के कहने पर ही तुमने मान लिया था कि तुम होशियार हो। अब दूसरे ही जब कह देंगे कि बेवकूफ हो तो वो भी मानना पड़ेगा ना। तुम होशियार हो ये तुमने खुद तो कभी जाना नहीं। तुम क्या हो ये तुमने खुद कभी नहीं जाना, हमेशा तुमने इधर उधर से बस सुन लिया। सब कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं तो मैं होऊंगा। सबने कह दिया कि ये बहुत लद्दड़ है तो मुझे लगने लगा कि मैं तो लद्दड़ हूं, हीन भावना में जीने लग गया। एक आम आदमी सिर्फ दूसरों से ली हुई चीजों पर जिंदा रहता है और वो कभी भी छिन सकती हैं और इसी कारण वो लगातार डरा हुआ रहता है। एक आम व्यक्ति लगातार दूसरों से ली हुई, मांगी हुई चीजों पर ही जिंदा रहता है। नाम वो अपना दे देता है उनको, नाम वो अपना दे देता है, पर नाम देने से क्या होता है? गहराई में तुमको पता है कि वो तुम्हारा नहीं है। समय ने दिया था, समय छीन के ले जाएगा। और ये विचार तुम्हें चैन से जीने नहीं देता कि ये छिनेगा, ये छिनेगा। ये छिनेगा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जितना ज्यादा तुम निर्भर हो दूसरों पर उतना ज्यादा डरे रहोगे। और फिर यही समाधान भी है कि जिसको डर से मुक्त होकर के जीना है, कितनों को डर से मुक्ति में जीना है? जितनों को भी डर से मुक्त होकर के जीना है वो अनाश्रित होकर के जीना सीखें। वो जरा कम निर्भर रहें स्थितियों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर। जितना ज्यादा तुम्हारी निर्भरता होगी उतना गहरा तुम्हारा डर होगा। डरना नहीं है तो निर्भर मत रहो। अब लेकिन यहां पर तुम पूछोगे सर निर्भर कैसे ना रहे, मेरे पास तो जो कुछ है वो बाहर से ही मिला है तो मैं निर्भर हूं ही उस पर। ना, उसको पाओ जो दूसरों ने नहीं दिया, उसके साथ जीना सीखो। वो अनमोल है, बहुत कीमती है। जब उसके साथ जीने लगोगे तो ये सब छोटी मोटी टुच्ची चीज़ें जो वातावरण से, दुनिया से मिली हैं, तुम्हारे मन में इनका कोई मोल रह ही नहीं जाएगा। हमारी हालत उस आदमी जैसी है जिसने कस करके मुट्ठी भींच रखी है क्योंकि मुट्ठी में 2 रुपए का एक सड़ा गला नोट है। सड़ा गला एक नोट है जो उसे बाहर से किसी ने आकर के दे दिया है। इस आदमी ने कस करके पकड़ रखा है इस नोट को क्योंकि इसे लगता है कि इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। और ये आदमी बहुत डरा हुआ है, ये डरा हुआ है कहीं ये नोट छिन न जाए, कहीं ये नोट छिन न जाए, क्योंकि ये सोचता है कि यही नोट तो इसका अस्तित्व है, इसके अलावा इसके पास है क्या। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम्हारे पास एक अनमोल, कीमत ही नहीं लगाई जा सकती उसकी, अमूल्य कुछ है और बहुत करीब है तुम्हारे पास। वो तुम्हें मुझसे लेने की या किसी और से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पास है, बस तुम भूल गए हो। जब तुम्हें उसका एहसास होगा तब तुम इस 2 रुपए के नोट को यूं छोड़ दोगे, और जैसे ही छोड़ोगे तुम इस 2 रुपए के सड़े हुए नोट को, वैसे ही तुमने छोड़ दिया अपना डर भी।
जब तक तुमने ये 2 रुपए का नोट पकड़ रखा है जो तुम्हें बाहरी व्यक्तियों से मिला है, तब तक तुमने इस नोट के साथ साथ अपने डर को भी पकड़ रखा है। पर ये नोट तुम छोड़ नहीं पाओगे जब तक उस खास को जान ही नहीं लेते जो नितांत अपना है। हमारे साथ होना, हर शनिवार को यहां आना, पढ़ना, समझना, बातचीत करना एक प्रक्रिया है उसको जानने की, जो तुम हो, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी वास्तविक निजी संपदा है। जैसे जैसे उसको जानने लगोगे वैसे वैसे इस कचरे पर तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। जैसे जैसे इस पर पकड़ ढीली पड़ेगी वैसे वैसे तुम पाओगे कि डर पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं कहां चला गया। डर का कोई सीधा इलाज नहीं है। डर का इलाज है निर्भरता कम करना, और निर्भरता तब कम होगी जब पहले तुम पाओ कि तुम्हें निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ पाना है ही नहीं, किसी से कुछ मांगना है ही नहीं, हासिल करने के लिए कुछ है ही नहीं, किसी दौड़ की, किसी उद्देश्य की, किसी मंजिल की कोई जरूरत है ही नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा, जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हो सकता है वो मिला ही हुआ है। जब तक तुम उस ज्ञान में नहीं जीते तब तक डरे हुए रहोगे, अभी भी डरे रहोगे, 50 की उम्र में भी डरे रहोगे, और आखिरी सांस में भी डरे हुए रहोगे। अपने आसपास देखो दुनिया को, तुम्हें लगता है क्या कि उम्र बढ़ने के साथ लोग निर्भय हो जाते हैं? लगता है क्या? वो आखिरी दम तक खौफ में जीते हैं। और डर में जीना माने जीना ही नहीं। अगर वाकई जीना चाहते हो तो साथ चलो उसकी तरफ जो बहुत करीब है, इतना करीब कि वो कोई छीन नहीं सकता तुमसे, किसी हाईवे पर तुमसे कुछ छिन जाए वो नहीं छिनेगा। मैं उसको कोई नाम नहीं देना चाहता, मैं उसके बारे में कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करना चाहता, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो है। यदि वो नहीं है तो सिर्फ डर है, यदि वो नहीं है तो फिर जीने से कोई फायदा भी नहीं है, बहुत अंधा जीवन होगा। वो है, समझ रहे हो बात को?